इन सीरीज एंड पैरेलल, इसमें लिखें अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। उसके बाद सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन सीरीज में लिखें व्हेन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल when the negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of another cell is connected to the positive terminal of another cell when the negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of another cell and so on, comma, the cells are said to be, the cells are said to be connected in series, the cells are said to be connected in series, ठीक है। अब इसका एक डायग्राम बनाएंगे, द सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। अब इसका डायग्राम देखिएगा कि जैसे मान लीजिए एक हमारे पास ये सेल है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल एक सेल, फिर थोड़ी दूरी पर एक दूसरा सेल, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, ये हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट को बोल दीजिए ए, इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए बी, और जो अगला पॉइंट है उसको बोल दीजिए सी, उसको बोल दीजिए सी, और यहां पर आप बनाएंगे तीन लाइन बनाएंगे, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट टू। अब यहां पर टर्मिनल ए और सी, टर्मिनल ए और टर्मिनल सी, ये हो गया। ये वाला जो सेल है इसका ईएमएफ ई1 लेंगे, दूसरे सेल का ईएमएफ ले लेंगे ई2, इसका ईएमएफ ई1, इसका ईएमएफ ई2। इसके नीचे एक रेसिस्टेंस बना देंगे ऐसे ही, इस तरीके से। जब किसी सेल के नीचे इस तरीके से रेसिस्टेंस बनाया जाता है, दैट मीन्स हम उसके इंटरनल रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं करना है कहीं पर, बस रेसिस्टेंस बनाकर छोड़ दो। और इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल आर वन, स्मॉल आर इज फॉर इंटरनल रेसिस्टेंस ओनली, कैपिटल आर होता है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के लिए। ऐसे ही इसके अंदर जो रेसिस्टेंस होगा इंटरनल रेसिस्टेंस, वो हो जाएगा स्मॉल आर टू। और ये क्या है कि इन दोनों सेल्स के कॉम्बिनेशन से जो सेल बना उसको हम बैटरी बोल देते हैं, तो उसका जो ईएमएफ होगा उसको बोल देंगे ई ईक्यू, ईक्यू इज फॉर इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया इन दोनों सेल्स का, और इन दोनों रेसिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर ईक्यू, स्मॉल आर ईक्यू। इसके बाद हम ये कहेंगे कि जब कभी इस तरीके से होता है, हमें एक रिलेशन मालूम है, हमें एक रिलेशन मालूम है कि जब भी और वो रिलेशन भी आपको ना रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हम ये जानते हैं कि जब भी कभी कोई सेल दे रखा है या कोई बैटरी दे रखी है, तो उस सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकल कर जाता है, ठीक है, और वो अपने आप रास्ता ढूंढता हुआ नेगेटिव टर्मिनल के पास पहुंच जाता है। अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो देयर विल बी अ ब्लास्ट, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो आप ये देखें कि यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट इसमें से निकलेगा ऐसे आई, ऐसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट इसमें से निकलेगा आई, ठीक है। अच्छा, अब
हम ये जानते हैं यहां नोट करें आप, दो लाइन लिखवाऊंगा, लिखें ये लेट वी ए वी बी एंड वी सी लिखिएगा, लेट वी ए कॉमा वी बी एंड वी सी, लेट वी ए वी बी एंड वी सी बी द पोटेंशियल्स एट पॉइंट्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, लेट वी ए वी बी एंड वी सी बी द पोटेंशियल्स एट पॉइंट्स, बी द पोटेंशियल्स एट पॉइंट्स ए बी एंड सी, ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द टू सेल्स कॉमा द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ टू सेल्स अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ टू सेल्स विल बी, अब आप देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मैं ये कहता हूं कि ये है ए और बी, तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हमने कहा कि पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है वो ए हो गया, पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल है वो बी हो गया, ठीक है, तो वी ए बी को क्या कहेंगे हम, वी ए बी इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। अब वी ए माइनस वी बी की अगर बात करें तो वी ए माइनस वी बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा हमारे पास यहां पर जो ए है, ए पे अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं कहूंगा कि हमारा ई एम एफ आ जाएगा। देखो आप याद करिए, इससे पहले भी जो हमने क्वेश्चंस करे हैं जहां पर भी मैंने ई एम एफ और इंटरनल रेसिस्टेंस की बात करी है, तो वहां पर हम कुछ इस तरीके से दिखाते थे इंटरनल रेसिस्टेंस को, हम ऐसे दिखाते थे इंटरनल रेसिस्टेंस को। अब आप ये देखिएगा कि इसमें इस पर जो हमारा ई एम एफ है, मतलब इस पूरे बॉक्स में जो हमारा ई एम एफ है वो क्या हो गया, ई एम एफ तो हो गया ई, और जो इसका रेसिस्टेंस है वो हो गया आर। तो अगर मैं इसकी बात करूं ए और बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की, तो ये जो है हमारा ये तो हो गया ई वन और ये आर वन है, करंट हमारा इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा है, और कितना है आई, मैं जानता हूँ वी कितना होता है ई माइनस आई आर, तो यहां पर जो हमारा ये बनेगा ये कितना हो जाएगा, ई वन माइनस आई आर वन, बताइए ये चीज क्लियर है कि नहीं भाई। यस जब सर, वी की वैल्यू क्या होती है, ई माइनस आई आर होती है, तो जब, और वी क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अभी मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ई माइनस आई आर वन, ये समझे कि नहीं, बताइए क्लियर है। ये चीज और ज्यादा अच्छे से, और ज्यादा अच्छे से एक्सटेंसिवली समझ में आएगी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में, ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में भी ये चीज और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। फिलहाल के लिए तो मैं एक तरह से ये समझ लीजिए कि जैसे मैं आपको रटने के लिए बोल रहा हूँ इस चीज को, हमें मालूम है ना कि वोल्टेज क्या होता है, ई माइनस आई आर होता है, ठीक, ये हमने देखा है, ठीक है, अब ये भी ऐसा भी क्यों होता है, ई माइनस आई आर ही क्यों होता है, प्लस आई आर क्यों नहीं होता, ये जो हम कर रहे हैं सीरीज और पैरेलल वाला, इसके बाद में हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वाला टॉपिक है, उसमें मैं आपको ये चीज और अच्छे से बताऊंगा, तो इसको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिएगा जैसे वी ए बी हो गया ई वन माइनस आई आर वन, इसी तरीके से अगला हम देखेंगे वी बी सी, वी बी सी क्या हो जाएगा, बी और सी के बीच वाला, वी बी सी तो ये क्या हो जाएगा, जिस तरह से हमने ये देखा
इसको वी बी माइनस वी सी बोल देंगे, और क्या होगा ये ई टू माइनस आई आर टू। ई टू माइनस आई आर टू ये हो गया, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि मैं इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना चाहता हूं, मतलब मैं इस पूरे के लिए निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या निकालना चाहता हूं, वी ए सी, मैं वी ए सी निकालना चाहता हूं। तो वी ए सी किस तरीके से निकलेगा, वी ए माइनस वी सी मिल जाए तो वी ए सी बन जाएगा। अगर वी ए माइनस वी सी मिल जाए तो उसको फिर मैं वी ए सी बोल सकता हूँ। जैसे वी ए माइनस वी बी को मैंने वी ए बी बोल दिया, वी बी माइनस वी सी को मैंने वी बी सी बोल दिया, तो मुझे वी ए माइनस वी सी चाहिए। वी ए माइनस वी सी के लिए मैं ये कहूंगा कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर ऐड कर दूं तो माइनस वी बी और प्लस वी बी कैंसिल आउट हो जाएगा, वी ए माइनस वी सी मिल जाएगा मुझे, समझ गए। तो मैं क्या कहूंगा, ये इक्वेशन नंबर वन है और ये इक्वेशन नंबर टू है, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, क्लियर है। तो हम यहां बोलेंगे कि ऐड वन एंड टू, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करा तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वी ए बी और हाँ, या इसको इक्वेशन वन टू ऐसे बोले, और ज्यादा अच्छे से करते हैं इसको। एक काम करो, इसको बोलिए आप, इसको बोलो इक्वेशन नंबर वन, और ये जो वी ए बी है ना, इस वी ए बी की जगह यहां पर ये लिख लो वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई वन माइनस आर वन आई आर वन। ऐसे ही इसको हटाओ और इसको जो बाद वाली है इसको बोलो इक्वेशन नंबर टू, और जो वी बी सी है इसकी जगह लिख लो वी बी माइनस वी सी, तो दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दीजिए। अब फर्स्ट को जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ऐड होगी तो क्या हो जाएगा, ई वन माइनस आई आर वन प्लस ई टू माइनस आई आर टू, ये हो गया। अब यहां से मैं कहूंगा माइनस वी बी और प्लस वी बी कैंसिल आउट हो गया, ई टू माइनस आई आर टू। बेटा अब दिखाई दे रहा है ना ऑनलाइन वालों को सबको, ई वन माइनस आई आर वन प्लस ई टू माइनस आई आर टू, ठीक है, क्लियर है। यस सर। अरे बाकी बच्चों को भी समझ में आ रहा है जो ऑनलाइन बैठे हैं, बताइए। यस सर। यस सर। प्रबल, श्रुति, यस सर, यस सर, मिलन, अभिनव, आर्ष, समझ रहे हो? यस सर। ओके, ये हो गया वी ए माइनस वी सी, वी ए माइनस वी सी। अब ई वन प्लस ई टू तो एक तरफ लिख लो, ई वन प्लस ई टू तो एक तरफ लिख लिया, और माइनस आई आर वन और माइनस आई आर टू एक तरफ। वी ए माइनस वी सी को क्या बोलेंगे, वी ए सी। ई वन प्लस ई टू को डालो ब्रैकेट में, माइनस आई निकालो कॉमन, और ब्रैकेट में क्या आ गया, आर वन प्लस आर टू। तो वी इज इक्वल टू क्या होता है, ई माइनस आई आर, ठीक है ना। तो ये जो ई वन प्लस ई टू है ये क्या आ गया हमारे पास, इक्विवेलेंट ईएमएफ, और ये जो आर वन प्लस आर टू है ये हमारे पास क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट कौन सा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। हमने इसको इससे कंपेयर करा वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर से, तो यहां लिखे हैं कंपेयरिंग इट विद वी ए सी इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, वी गेट ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू एंड आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। हाँ जी पोटेंशियल वैसे भी डायरेक्टली ऐड होता है, बस ये करने के लिए करके दिखा देना सेल्स इन सीरीज में अगर ये पूछते हैं तो, ठीक है ना। आप कह बिल्कुल सही रहे हो कि जब दो सेल्स जुड़े हुए हैं सीरीज में तो हम जानते हैं कि सीरीज में टोटल वोल्टेज जो है वो ऐड ही होती है, उन दोनों को ऐड कर दिया। इंटरनल रेसिस्टेंसेस भी सीरीज में है तो सीरीज में वैसे भी ऐड ही होंगे,
और उसको आप करके दिखा दीजिएगा। एक्चुअली इस चीज को हम अभी आगे ना केवीएल से कंपेयर करेंगे। केवीएल है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और वो इस वजह से करना जरूरी है कि हमेशा सर्किट इतना सिंपल नहीं आएगा, हमेशा सर्किट इतना सिंपल नहीं आएगा आपके पास मैश में। हाँ वो करना सीख के होगे शायद, वो तो बता दिया होगा शायद। सर हाँ जी बोलो बोलो बोलो, बोलकर चुप हो गए। सर मैं कह रहा हूँ सर स्क्रीनशॉट लेना सर जो भी आपने कराया ना। हट गया मैं, हट गया, हो गया। हाँ जी सर हो गया। ओके ओके, तो हम ये कहेंगे इफ देयर आर मोर सेल्स देन ई इक्विवेलेंट, ज्यादा भी सेल होंगे तो सारे के सारे, इफ देयर आर मोर सेल्स इन सीरीज देन ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री प्लस डॉट 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 ई एन, इस तरीके से होगा। उसके बाद देखिएगा, अब अगर हम कहते हैं कि सेल्स जो है वो पैरेलल में है, अगर पैरेलल में है तो किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सेल्स इन पैरेलल। ये मिटा दूं इधर से, सेल्स इन पैरेलल में लिखेंगे व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल सेल्स when the positive terminals of all cells are connected to one point, are connected to one point and all their negative terminals to another point, and all their negative terminals and all their negative terminals to another point and all their negative terminals to another point the cells are said to be connected in parallel. Comma. The cells are said to be connected in parallel. The cells are said to be connected in parallel. अब इसमें क्या करना होगा, पहले डायग्राम बनाइए आप कि मेरे पास एक टर्मिनल है ए, एक टर्मिनल है बी, यहाँ पर एक सेल है जिसका ईएमएफ ई1 है, यहाँ पर दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ ई2 है, ई1 और ई2, और जो ई1 है इसका इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया वैसे ही पहले की तरह आर1, और ये जो ई2 है इसका इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया आर2। इक्विवेलेंट सर्किट
ए और बी के बीच में एक सेल, और इसका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो हो गया ई ई क्यू, और जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो हो गया आर ई क्यू। ठीक है, हम जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम बट करंट डिवाइड्स, तो करंट जो है वो फ्लो करेगा पॉजिटिव से निकलता हुआ, तो यहां से करंट जा रहा है आई वन और यहां से करंट जा रहा है आई टू, और कितना जाएगा यहां पर, दोनों जब जुड़ जाएंगे यहां पर आकर वो आई हो जाएगा। तो हमें मालूम है कि पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम एंड करंट डिवाइड्स, ठीक है, करंट अलग अलग हो जाता है पैरेलल में। अच्छा, अब यहां पर दो लाइन लिखेंगे, एज द टू सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, As the two cells are connected, as the two cells are connected in parallel, as the two cells are connected in parallel between the same two points B1 and B2, इस पॉइंट को बोल दीजिए बेटा C, और इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए B1, और इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए B2, ठीक है, और ऐसे यहां पर इसको बोल दीजिए C। As the two cells are connected in parallel between the same two points B1 and B2, between the same two points B1 and B2, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, दैट इज पैरेलल, सो पोटेंशियल वी अक्रॉस देम विल बी सेम, पैरेलल में पोटेंशियल जो है वो सेम होता है, विल बी सेम तो जो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे वी बी वन बी टू, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये सेम होगा, इसको वी बोल दिया, तो वी इज इक्वल टू, मैंने कह दिया वी बी वन माइनस वी बी टू, वी बी वन माइनस वी बी टू, ये कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कहां निकाला जा रहा है, इसके और इसके बीच में निकाल रहे हैं, तो जितना इसमें होगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही इस ब्रांच के अक्रॉस होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। तो हम ये कहेंगे ये हो गया वी बी वन माइनस बी टू, कैसे निकलेगा, यहां पर एक हमारे पास ई एम एफ है ई वन, तो ये हो गया ई वन माइनस करंट कितना है आई वन और रेसिस्टेंस कितना है आर वन, तो ई वन माइनस आई वन आर वन, या फिर इसको ये भी कहा जा सकता है कि ई टू माइनस आई टू आर टू, ई वन माइनस आई वन आर वन और ई टू माइनस I2 R2, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं भाई, इस ब्रांच के अक्रॉस निकालेंगे तो E1 माइनस I1 R1 आ जाएगा, इस ब्रांच के अक्रॉस तो E2 माइनस R2 I2 R2 आ जाएगा। ये करने के बाद में मैं यहां से एक काम करूंगा कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर वन, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर टू, फिर मैं कहूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, मैं फर्स्ट इक्वेशन की अगर बात करूं तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं ये कह सकता हूं कि माइनस आई वन आर वन को इधर ले आओ, तो ये हो गया आई वन आर वन और वी को इधर ले जाओ इज इक्वल टू ई वन माइनस वी, यहां से आई वन की वैल्यू निकालो तो ये हो गया ई वन माइनस वी अपॉन आर वन। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन नंबर वन ये हो गई, भाई इसी को तो सिंप्लीफाई करा है, तो I1 की वैल्यू E1 माइनस V अपॉन R1 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन टू,
फ्रॉम इक्वेशन टू आप माइनस आई टू आर टू को इधर ले आओ, तो ये हो गया प्लस का आई टू आर टू इज इक्वल टू ई टू माइनस वी, और फिर यहां से आई टू की वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा ई टू माइनस वी अपॉन आर टू, ये हो गया इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। और पैरेलल में वोल्टेज तो डिवाइड होती है लेकिन वो सॉरी वोल्टेज तो सेम होता है लेकिन करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है, तो करंट किसके इक्वल होगा? आप ये देखिए इधर से आई वन आया इधर से आई टू आया तो दोनों टोटल तो करंट आई के ही बराबर होगा, तो हम ये कहेंगे सिंस इट इज अ पैरेलल कनेक्शन सो I is equal to I1 plus I2, I is equal to I1 plus I2 होगा, तो इसमें आप वैल्यू डालें I is equal to I1 plus I2, तो I को तो ऐसे ही लिखिएगा I is equal to I1 की जगह E1 minus V upon R1 plus I2 की जगह E2 minus V upon R2। जब LCM लेंगे तो ये दोनों टर्म्स तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, R1 और R2 तो हो गया मल्टीप्लाई, ये R2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा E1 minus V into R2, और ये R1 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा E2 माइनस V इंटू R1, R1 इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब क्या करो, अब इनको आप एक्सपेंड कर लो, तो I इज इक्वल टू E1 R2 माइनस V R2 प्लस E2 R1 माइनस वी आर वन अपॉन आर वन आर टू। अलग अलग करिए, E1 और E2 वाली टर्म एक तरफ लेकर आओ और ये जो है हमारे पास V वाली टर्म को अलग लेकर जाओ। I इज इक्वल टू E1 R2 E1 R2 V अपॉन R1 और प्लस E2 R1, इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया E1 और E2 वाली टर्म को, उसके बाद माइनस V R2 ब्रैकेट में माइनस V R2 प्लस V R1, ऐसे कर लिया V R2 और V R1 वालों को अलग निकाल लिया अपॉन R1 R2। ये करने के बाद फिर इसको स्प्लिट करो, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा E1 R2 अपॉन R1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, ठीक है। इसके बाद माइनस दोनों में V है, V बाहर निकाल लिया R2 अपॉन R1 R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2, इससे क्या होगा? इससे आप ये देखिए, इस R2 से ही R2 कैंसिल, इस R1 से ही R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V और ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस वन अपॉन आर टू, ठीक है। ये हो गया, ये करने के बाद में फिर ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, यहां से मैं वही काम करूंगा कि मुझे एक चीज पता है कि V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है। मैं इसको उस फॉर्मेट में लेकर आऊंगा, तो ये V वाला जो टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, ठीक है। और मैं इधर वाला पोर्शन मिटा रहा हूं,
आई को, अभी बताता हूं, असल में यहां पर दो चीजें हैं, एक तो वी, हाँ यहां पर माइनस कॉमन लिया तो देखो ये भी माइनस वाला टर्म था और ये भी माइनस वाला था, तो इसलिए दोनों प्लस के हो गए, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे ये नेगेटिव वाला टर्म है इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया v और ये ब्रैकेट में आ गया 1 upon r1 plus 1 upon r2 is equal to e1 upon r1 plus e2 upon r2, ये और i को उधर ले जाओ, आई को इधर लेकर आ गए। अब क्या करिएगा कि अगर इसको देखेंगे तो ये सॉल्व करके ऐसे ही तो आ जाएगा r1 plus r2 upon r1 r2, यही जो पहले था r1 plus r2 upon r1 r2 इज इक्वल टू, इसको क्या कहेंगे, E1 R1 करूं इस तरीके से, चलिए कर दो e1 r2 plus e2 r1 upon r1 r2 और माइनस i। अब क्या करें कि ये वाला जो टर्म है इसमें जो चीज डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चली जाएगी और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, e1 r2 plus e2 r1 upon r1 r2 मल्टीप्लाइड बाई r1 r2 upon r1 plus r2, ठीक है, और माइनस i r1 r2 upon r1 plus r2। यहां इस r1 r2 से ये r1 r2 कैंसिल आउट हो गया और ये r1 plus r2 इसके नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, तो v इज इक्वल टू e1 r2 plus e2 r1 upon r1 plus r2, ठीक है, और माइनस का आई r1 r2 upon r1 plus r2, ये हो गया। ये करने के बाद में फिर हम ये कहते हैं कि यहाँ से अगर मैं चाहूँ कि ये जो हमारे पास है इसको मैं अगर कंपेयर करूँ, कंपेयरिंग इट विद v इज इक्वल टू e इक्विवेलेंट माइनस i इंटू r इक्विवेलेंट, तो r इक्विवेलेंट तो ये आ गया पैरेलल वाला जो हमें पता ही है, लेकिन जब पैरेलल में हमारा ईएमएफ होंगे, जब पैरेलल में हमारे सेल्स होंगे तो उसका ई इक्विवेलेंट ये आएगा, तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, e1 r2 plus e2 r1 upon r1 plus r2, ठीक है, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू ये हम जानते ही हैं पैरेलल में ऐसा ही होता है r1 r2 upon r1 plus r2, ठीक है। दो तीन स्टेप वैसे एक्स्ट्रा होगा इसमें, शॉर्ट हो सकता था, पर चलिए समझ में आ गया सभी को, हाँ मतलब ये जो चीज़ पहले स्प्लिट करी है ये स्प्लिट करने की यहाँ ये वाला और इस वाले स्टेप की जरूरत नहीं थी, सीधा वैसे करा जा सकता था वी कॉमन लेकर, ठीक है, तो ये दो स्टेप इसमें एक्स्ट्रा हो गए, लेकिन समझ में आ गया है नहीं बताइए, सभी को क्लियर है, हाँ बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी क्लियर है सभी को, यस सर, ठीक है, चलिए जी। इसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे, ये 2016 में आया है क्वेश्चन, वैसे एक एनसीईआरटी का भी है,
पहले ये देखो 16 वाला, क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल सेल्स ऑफ ईएमएफ, इधर कर दूं ये वाला मिटा के, ये वाला मिटा दूं इधर से, इधर वाला two identical cells of EMF 1.5 volt each joined in parallel, two identical cells of EMF 1.5 volt each joined in parallel provide supply, joined in parallel provide supply to an external circuit consisting of two resistances of 17 ohm each joined in parallel. Joined in parallel, full stop, a very high resistance voltmeter. A very high resistance voltmeter reads the terminal voltage of cells. Reads the terminal voltage of cells to be 1.4 volt, full stop, calculate the internal resistance of each cell. अब देखिएगा क्या करना है इसमें. सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना होगा. ये मिटा रहा हूं मैं. ये कर लिया ना बेटा कंप्लीट सभी ने? हाँ,
अब देखिएगा, इन्होंने बोला टू आइडेंटिकल सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.5 ईच जॉइंड इन पैरेलल प्रोवाइड सप्लाई टू एन एक्सटर्नल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ टू रेसिस्टेंसेस ऑफ 17 ओम ईच जॉइंड इन पैरेलल। मतलब देखिए, दो एक जैसे सेल हैं, आइडेंटिकल सेल हैं, उनका दोनों का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है और वो दोनों आपस में पैरेलल पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो पहले तो इन दोनों को सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करो। अब सेल के साथ में छोटा सा हम इंटरनल रेसिस्टेंस भी उसका जोड़ते हैं। अगर ईएमएफ दे रखा है तो देयर विल बी इंटरनल रेसिस्टेंस आल्सो। तो ये ईएमएफ हो गया 1.5 वोल्ट, ये भी 1.5 वोल्ट, और इसको मैंने बोल दिया इंटरनल रेसिस्टेंस को R1 और इसको मैंने बोल दिया R2। अब ये जो है ना पूरा, ये जो दो आइडेंटिकल सेल पैरेलल में आपस में कनेक्टेड हैं, ये सप्लाई प्रोवाइड करा रहे हैं किसको? ये सप्लाई प्रोवाइड करा रहे हैं दो और रेसिस्टेंसेस हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं ऐसे एक सर्किट को। मतलब आप ये देखिए कि जब सेल्स जो हैं, जब सेल्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं या पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उससे क्या बन जाता है? बैटरी बन जाती है, उससे बैटरी बन जाती है। तो इसका मतलब ये तो पूरी की पूरी बैटरी हो गई, और ये जो बैटरी है ये किसके साथ कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है दो एक्सटर्नल रेसिस्टेंसेस के साथ जो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। 17 ओम का एक है, तो आप ये देखिए कि एक ये हो गया 17 ओम और एक ये हो गया 17 ओम। ठीक है, तो ये जो बैटरी है ये इस 17 ओम और 17 ओम वाले दो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड करा रहे हैं। इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर है? हाँ। अब इसके बाद आप ये देखिएगा कि इन्होंने बोला कि एक वोल्टमीटर से क्या करा गया, अ वेरी हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर रीड्स द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल्स टू बी 1.4 वोल्ट। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल्स का मतलब क्या है? सेल कौन से हैं? एक तो ये और एक ये, इनका टर्मिनल वोल्टेज मतलब यहाँ और यहाँ, इनके बीच का जो वोल्टेज है, इनके बीच का जो वोल्टेज है कैपिटल वी, वो कितना है? 1.4 वोल्ट। और कैपिटल पी, क्योंकि क्योंकि ये दोनों सेल्स पैरेलल में हैं तो कैपिटल वी विल रिमेन सेम। ठीक है, कैपिटल वी विल रिमेन सेम, और वही कैपिटल वी यहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा इसको। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि यहां पर कैपिटल वी तो हो गया 1.4 वोल्ट, ईएमएफ जो दे रखा है ई वो कितना हो गया 1.5 वोल्ट, ये हो गया। तो यानी कि जब दोनों सेल्स हमारे पैरेलल में होते हैं तो पैरेलल में अलग अलग भी हो सकती है वैल्यू, तो मैं इसको E1 is equal to E2 is equal to 1.5 वोल्ट बोल दूं चलेगा? ठीक है ना। और वो क्या पूछ रहे हैं कि R1 is equal to क्या है वो बताओ, और R2 is equal to क्या है ये बताइए, वो ये पूछ रहे हैं आपसे। ये सबको समझ में आ गया? हाँ, वो ये पूछ रहे हैं। तो अब मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का देखते हैं कि ये जो दो पैरेलल में है ना, इनका इलाज करो। पहले इनका टोटल रेसिस्टेंस बताओ कितना होगा दोनों पैरेलल में। हाँ हाँ, तो हम क्या करेंगे, ये सीधा सीधा ऐसे हो गया ना कि R इक्विवेलेंट 1 अपॉन कैपिटल R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 17 प्लस 1 अपॉन 17 यानी कि 2/17, तो वो 17/2 हो जाएगा। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/17, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 17/2 ओम। तो इसकी जगह मैं एक ही रेसिस्टेंस लगा सकता हूं 17/2 ओम का। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि यहां से निकलने वाला करंट I1, यहां से निकलने वाला करंट I2, तो ये I1 और I2 हो गया, और इन दोनों का जो सम है, क्योंकि ये पैरेलल में है तो सम क्या है, वो करंट I है। अब इसका रेसिस्टेंस तो 17/2 पता चल गया, वोल्टेज 1.4 है, V इज इक्वल टू IR होता है, ये हमें मालूम है। ठीक है भाई, ये जो वोल्टेज है इसके टर्मिनल्स पर यही तो मिलेगी इसको, तो V कितना हो गया 1.4 इज इक्वल टू I, मुझे नहीं पता R की वैल्यू 17/2।
इंटरनल वैल्यू भी आएगी रेसिस्टेंस की। मैं इसमें एक काम करूंगा, अभी बताता हूँ आपको। जैसे ये हमारे पास आर वन और आर टू आ गया है ना, ये दोनों अलग अलग हैं, तो मैं जब ये जानता हूँ कि पैरेलल में जब ये कनेक्टेड होते हैं तो इसका इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, आर इक्विवेलेंट आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये हो गया। तो मैं आर इक्विवेलेंट निकाल के और फिर दोनों को अलग अलग स्प्लिट कर लूंगा। ये हमारे पास करंट की वैल्यू देखिएगा कितनी आ रही है यहां से, हम एक काम करेंगे, ये क्वेश्चन मिटा दूं यहां से, आप एक काम करो ये करंट वाला फंडा छोड़ो, जब मुझे करंट निकालना ही नहीं है तो करंट वाला छोड़िए, आप सीधा R1 और R2 का फंडा पकड़ो। हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है ना, यहीं से लिखे V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, E माइनस आई आर। अब ये जो R सिर्फ एक स्मॉल R मैं लिख रहा हूँ, मतलब मैं R इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से एक काम करा जा सकता है कि V इज इक्वल टू E माइनस, ये जो मैं आई आपको निकालने के लिए कह रहा था, इसको आई को कैसे निकालते हैं हम, वी इज इक्वल टू आई आर करके, है ना। तो आई मेरे काम नहीं आना, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको आई की वैल्यू सीधा सीधा वी अपॉन आर ले लेता हूँ, आई की वैल्यू वी अपॉन आर ले लेते हैं, तो आई हमारा आई निकालना बच जाएगा, चाहो तो आई निकाल कर रख दो वैल्यू, और चाहे तो आई की जगह सीधा सीधा वी अपॉन आर लिख दो, वी अपॉन कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। बताओ करा जा सकता है ना ये भाई, या तो मैं पहले आई निकालता और या फिर इसी में कर लो उसको। अब क्या करें, और टारगेट क्या है कि देखो वी भी है मेरे पास, कैपिटल आर मैं निकाल ही चुका हूँ 17/2, कैपिटल ई ये भी दे रखा है 1.5, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लूंगा, तो कैसे करेंगे, आप एक काम करो इसको इधर लेकर आओ, वी प्लस कैपिटल वी अपॉन आर इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल ई, यहां से क्या करो कैपिटल वी कॉमन लू, या एक काम करते हैं इस कैपिटल वी को उधर ले जाओ, माइनस वी कर दिया, और स्मॉल आर कितना हो गया, ई माइनस वी इंटू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल वी, चलेगा ठीक है। अब बस वैल्यू डालनी है इसमें, तो वैल्यू देखिएगा, वैल्यू डालेंगे सीधा सीधा, हमारे पास स्मॉल आर की वैल्यू ये आ गई ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर, ई कितना है 1.5, माइनस वी कितना है, वी 1.4 अपॉन कैपिटल वी अगेन 1.4 इंटू कैपिटल आर 17/2, 1.5 माइनस 1.4 बोलो, 1.5 माइनस 1.4 पॉइंट से पॉइंट कट गया, और ये हो गया स्मॉल आर इज इक्वल टू 17/28, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये मेरे पास स्मॉल आर की वैल्यू आ गई, उसके बाद आर वन और आर टू की वैल्यू निकालनी है, बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने मिटा दिया ना, टू आइडेंटिकल सेल्स ऑफ EMF 1.4 वोल्ट ईच जॉइंड इन पैरेलल प्रोवाइड अ सप्लाई टू एन एक्सटर्नल सर्किट। देखिए जब दोनों आइडेंटिकल सेल्स बोले हैं, तो जब आइडेंटिकल सेल्स हैं तो इनका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है ये भी आइडेंटिकल होगा, सेम होगा, जब दोनों आइडेंटिकल सेल बोले हैं, तो हम ये कहेंगे सिंस बोथ द सेल्स आर आइडेंटिकल, therefore R1 is equal to R2 is equal to small r, ठीक है।
या स्मॉल आर, ये हमारा आर इक्विवेलेंट था एक तरह से। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या था, आर वन आर टू जब पैरेलल में होते हैं, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, और ये वैल्यू कितनी निकाली है 17 अपॉन 28। आर वन आर टू कितना हो गया आर इंटू आर, और आर वन प्लस आर टू कितना हो गया आर प्लस आर, इज इक्वल टू 17/28। न्यूमरेटर में आ गया आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ गया 2r, एक r से एक r कट गया, 17 अपॉन 28, 2 14 जा, तो r की वैल्यू आ गई 17/14 ओम। ये आ गई हमारी इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू। चाहो तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 14 वन जा 14, 17 माइनस 14, हाँ समझा नहीं, हाँ हाँ वन कैसे आ रहा है, कैसे करा, कुछ गड़बड़ करा होगा, देखो इतना ही आ रहा है, वैल्यू तो यही है 17.2 17 अपॉन 28, और जो इसका, हाँ ठीक है, E1 R1 plus E2 E1 R2 plus E2 R1 upon R1, हाँ ये तो सेम है, तो होगा E upon R equivalent, ठीक है, ठीक है, तो उससे हमारे पास आ गया 1.5 upon R equivalent, दिखाओ एक बार करा क्या है, हाँ ER2 plus ER1 ठीक है, 1 upon R2 plus 1 upon E upon R equivalent, 1.5 upon R equivalent, ठीक है, R equivalent की वैल्यू, R equivalent की वैल्यू कहाँ है फिर, अच्छा ये I आपने ऐसे करा 1.5 minus 1.4, ठीक है, V प्लस आई आर इक्विवेलेंट, अच्छा 1.5 अपॉन, आर वन की वैल्यू या तो 0 या फिर 2, ये क्या करा, ये वन क्या है, ये आर इक्विवेलेंट वन कहाँ से आया ये नहीं समझ में, यहाँ पे ये से आ गया ना ये हाँ, आई की वैल्यू की, हाँ हाँ आई की वैल्यू ये है, हाँ ये तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू ये थे, हाँ ये यहाँ से, हाँ मैंने ई इक्विवेलेंट ये वाला डाल दिया वहाँ, 1.5 अपॉन आर इक्विवेलेंट, हाँ दिखाओ ये 1.5 अपॉन आर इक्विवेलेंट ये डाल दिया, यहाँ पे आई आर इक्विवेलेंट था, हाँ आई मैंने यहाँ से निकाला था, हाँ हाँ तो 0.1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, हाँ हाँ तो आई ये हो गया ना 0.1 into, इससे ना एक चीज गड़बड़ आ रही है, इससे तो आपका करंट सिर्फ 0.1 ही आ गया, वोल्टेज जो है वो 0.1 आ गई, ये वाली आई और इनटू कहाँ उलझ गए, क्या कर दिया, ये वी कितना है, ये वाला मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, सुनो इसमें जो आप ये फंडा लगा रहे हो ना डायरेक्ट, इसमें जो फार्मूला लगा रहे हो ना, यहाँ पर वो चीज पता है किस लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी है कैपिटल आर, तो इसको भी तो अकाउंट में लेना पड़ेगा। अगर मान लो ये तुमने ठीक करा है, ये तुमने ठीक करा है, अगर मान लीजिए सिर्फ सेल्स ही होते हैं ना पैरेलल में, तब तो ये लगा लेते फार्मूला, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे, इस वजह से इसको ना कैपिटल आर का भी रोल है इसमें, इस वजह से गड़बड़ आ रही है। बैठिए बताइए जी, ये सभी को क्लियर है, ये वैल्यू आएगी आपकी अप्रोक्सीमेटली 1.2 आ रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली 1.2 आ रहा है, बताइए क्लियर है सभी को, यस सर, यस सर, ठीक है।
चलिए जी, तो फिर आज इतना ही करेंगे, बाकी करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक यू सर। ओके।